मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद जारी है। सरकारी केंद्रों पर भी एमएसपी रेट पर सरसों और गेहूं खरीदा जा रहा है। मंडी और एमएसपी केंद्रों पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। खुले बाजार में सरसों और गेहूं का अलग अलग भाव चल रहा है। हर दिन इनके भाव में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम आज मंडियों के ताजा भाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ सोनीपत की गोहाना मंडी में आज सरसों की अधिकतम बोली 4,861 रुपए रही, जबकि गेहूं का अधिकतम भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पिछले एक हफ्ते में देखें तो गोहाना मंडी में सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ सरसों का अधिकतम भाव 5100 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। वहीं राजस्थान के बारा में आज गेहूं की अधिकतम बोली 2800 रुपए प्रति क्विंटल रही। यहाँ सरसों की खरीद नहीं हुई है। सरसों और गेहूं का यह भाव हम ट्रेडर से बातचीत के आधार पर आपको बता रहे हैं। वहीं कमोडिटी ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक मध्य प्रदेश में गेहूं 1975 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। गेहूं का औसत मूल्य 2340 रुपए प्रति क्विंटल है। खुले बाजार में गेहूं के भाव की बात करें तो 2020 रुपए से लेकर 2451 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं बीते दिन 7 अप्रैल को खरगोन में 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक गेहूं की बोली लगी। वहीं सरसों की बात करें तो यहां 3577 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक सरसों बिक रही है। 7 अप्रैल को ग्वालियर में सरसों की सबसे अधिक बोली 5000 रुपए प्रति क्विंटल लगी। हालांकि आज के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। इसी तरह राजस्थान में गेहूं 2150 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। वहीं सरसों का भाव 4051 रुपए से लेकर 5400 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। हालांकि 7 अप्रैल को सरसों का अधिकतम भाव 5100 रुपए ही रहा। यानी कि यहां पे भी पिछले कुछ दिनों में सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज गेहूं का भाव 2275 रुपए से लेकर 2320 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं सरसों की बात करें तो 4800 रुपए से लेकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक उत्तर प्रदेश में सरसों का भाव मिल रहा है। हालांकि आज के मंडी भाव की बात करें तो बलिया में आज सरसों का भाव 5650 रुपए रहा। इसी तरह हरियाणा में कमोडिटी वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक सरसों का भाव 4500 रुपए से लेकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। 7 अप्रैल को हरियाणा के भिवानी में 5650 रुपए सरसों का भाव रहा। बता दें कि 5650 रुपए सरकारी खरीद है। खुले बाजार के भाव के आंकड़े आज नहीं आए हैं। वहीं हरियाणा के गेहूं के रेट के आंकड़े वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं का औसत भाव 2180 रुपए है। छत्तीसगढ़ के गेहूं के आज के भाव की बात करें तो बिलासपुर में सबसे अधिक 2355 रुपए की बोली लगी। बता दें कि सरसों और गेहूं के भाव कमोडिटी ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक हैं। सरसों और गेहूं के मंडी भाव में कुछ अंतर हो सकता है। किसान और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।